हेलो हेलो हेलो, दिस इज़ द GoPro 12 से डायरेक्ट टेलीकास्ट। और ये रही बूसा, हैव बीन फेसिंग लिटिल प्रॉब्लम इन दिस, सो अभी बताता हूँ जब रोड पे चलते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। जब से रोड ट्रिप से आए हैं लद्दाख से, जब से आप देख रहे हो हालत, वैसे तो यहाँ कुछ दिख नहीं रही होगी, बट बाहर जाके दिखाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। व्हाट्सअप गाइज, भाई मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ, इतनी फाड़ फीलिंग आ रही है ना बाइक को इतने टाइम के बाद चलाने में, और इतना अच्छा मौसम है ना इस टाइम दिल्ली में कि क्या बताऊँ। ऑडियो आई होप अच्छा आ रहा हो, रोड ट्रिप में तो करप्ट ही हो गया था। दिल्ली में ऑडियो अच्छा नहीं आता, रोड ट्रिप में कंटेंट नहीं आ पाता क्योंकि वो करप्ट हो जाता है, तो बंदा क्या करे। और इस बार बाइक ने साथ बहुत दिया, द माइटी बूसा। इसको माइटी बूसा क्यों कहते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस बाइक ने जितना साथ मेरे को लास्ट रोड ट्रिप में 600 किलोमीटर में दिया है, आई डोंट फील कि कोई भी बाइक इतना किसी को बैकअप दे पाती। सो टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट द मेजर प्रॉब्लम दैट द बूसा फेस्ड। मैंने वीडियो में एक दो बार बोला भी है कि भाई बूसा थोड़ी दिक्कत दे रही है, स्टोरी में भी बताया है। अब वो क्या दिक्कत दे रही थी ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और अभी हम जा रहे हैं सर्विस सेंटर टू रिजॉल्व दैट मेजर इशू। मतलब इतना मेजर भी नहीं है, बट येस ड्यू टू दिस देर वॉज अ पॉइंट कि भाई मैं घर आने का सोच रहा था कि टो ही करानी पड़ेगी बाइक। सो बट इन द एंड एवरीथिंग वॉज गुड एंड वी रीच्ड होम वेरी सेफली। इस बार ट्रिप में क्या हुआ कि जब हम दिल्ली से निकले पंजाब होते हुए अपना जम्मू की डायरेक्शन में, तो पंजाब साइड या मे बी जम्मू के पास कहीं पे तो मैंने फ्यूल अप कराया, जिसमें गंदा पेट्रोल बाइक के अंदर आ गया, जिस वजह से बाइक ने स्टार्टिंग में तो बहुत कम प्रॉब्लम दिखाई, थोड़े झटके लिए, चल रही है लेकिन झटके ले रही है बीच में, स्टार्टिंग में ऐसा हुआ। फिर हम जब श्रीनगर पहुंचे तो वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। हमको लगा कि यार रेडिएटर वगैरह में तो शायद धूल मिट्टी चली गई है, थोड़ा जाम हो गया है तो उसको धुलवा लेते हैं, इसलिए हमने बाइक वॉश कराई श्रीनगर में कि भाई शायद कुछ हो। बाइक वॉश के बाद थोड़ी खुली बाइक, चलने में प्रॉब्लम कम हुई, लेकिन स्टिल द प्रॉब्लम रिमेंड एज इट इज़, कम थी। लेकिन उमिंगला जिस दिन हम गए, फ्रॉम दैट वेरी डे उसके बाद से तो प्रॉब्लम और बढ़ गई। सो और वापस आते हुए फ्रॉम उधमपुर टू दिल्ली इट वॉज अ मिरेकल, अगर मैं बोलूँ। भाई बाइक चल ही नहीं रही है, बाइक को मैं रेस दे रहा हूँ, झटके ले लेके वहीं 10 की स्पीड पे चल रही है, तो ऐसा हो गया था कि यार पैर लगा के भी कितना ले आएंगे। तो जब तक ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, बूसा सही चल रही थी, जहाँ जहाँ मुझे हल्का भी ट्रैफिक मिला, शायद एक मिनट का या दो मिनट का भी पॉज मिला, बूसा शायद हीट होती है, उसके बाद वो चलने में प्रॉब्लम स्टार्ट कर देती है। व्हेन वी वर इन पंजाब, हम अपने फ्रेंड के घर रुके, वहाँ पे हमने एयर फिल्टर खोल के साफ़ वगैरह किया, उसके बाद अगेन बाइक सही चली, 100 किलोमीटर सही चली, एंड के 50 किलोमीटर उसने फिर प्रॉब्लम दिखाई। देन वी हैड टू टेक अ स्टॉप इन चंडीगढ़ इन नाइट कि भाई कोई इशू ना हो जाए। उसके बाद चंडीगढ़ टू दिल्ली कोई इशू नहीं आया, एंड उसके बाद मैंने आज बाइक निकाली है। सो या एज ऑफ नाउ इट इज़ गोइंग गुड। आज माहौल है, मौसम है, और भाई साथ में हमारे, तो मैंने कहा चलो लेट्स गो। भाई को भी BMW में कुछ काम है। ये अभी आपने मिसिंग की आवाज़ सुनी, ये मिसिंग मारना शुरू कर देती है, तो मींस कि भैया दिक्कत आने वाली है, जल्दी पहुंचो अपनी डेस्टिनेशन पे। हमने नोट करी खोलने बाद हुआ है कि थ्रॉटल बॉडी बहुत ज़्यादा गंदी है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो। अभी पहले थ्रॉटल बॉडी साफ करेंगे, फिर हम चेक करेंगे। फ्यूल पंप में तो कोई कचरा वचरा नहीं है, क्योंकि एक हाई चांस ये भी है कि फ्यूल पंप मतलब तो पेट्रोल गंदा आने से फ्यूल पंप में कचरा चला गया हो। अगर इसके बाद कुछ बचता है तो देन वील ट्राई फॉर दिस स्पार्क प्लग, वैसे तो वो ठीक होने चाहिए,
मतलब थोड़े टाइम पहले ही चेंज कराए थे, मेजर सर्विस एक हो चुकी है इसकी। अभी तक तो सिर्फ थ्रॉटल बॉडी से हो जाना चाहिए सॉल्व, बट अगर नहीं होता है तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। एक घंटा हो चुका है मुझे अभी तक, तो इट विल टेक अनदर 1 आवर मोर। सो वी आर हेयर एंड लेट्स कंटिन्यू कुलवन। और इसके बारे में हमने एक वॉइस ओवर टाइप की रील बनाने की कोशिश करी है, अगर तो बहुत अच्छी बनी होगी तो इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी, अगर अच्छी नहीं बनी होगी तो बिना वॉइस ओवर के सॉन्ग के साथ आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। तो जैसा भी होगा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। गाइज तो हमने इसकी सर्विस तो नहीं, खैर फ्यूल पंप क्लीन कराया है और थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराई है और बेसिक जो डस्ट वगैरह थी वो सब साफ़ कराई है। थोड़ी बहुत बाइक पे कपड़ा भी मार लिया हमने यहाँ पे, बट या ऑल डन। और अभी चला के देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम स्टिल इट कंटिन्यूज सो विल सी व्हाट कैन बी डन इन दिस। अगर कुछ भी इशू सॉल्व नहीं होता इन सबको करने के बाद तो फ्यूल पंप ही चेंज होगा, लास्ट इज दिस। और फ्यूल पंप बहुत सस्ता है, 1.25 लाख रुपए का है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो हाथी लेना आसान है, पालने में दिक्कत है, तो ये कहावत है। बट आई प्रे भाई, आई फिंगर कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड भाई, ये फ्यूल पंप की दिक्कत ना हो और ये सॉल्व हो गई हो। बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, आपको वीडियो में दिखा होगा। बट यस, अगर सब सही होता है तो ऑल विल बी गुड एंड वी विल बी गुड टू गो। अभी घर जाते जाते ही पता चल जाएगा रहता है कि नहीं रहता है सिस्टम सॉल्व होके। फर्स्ट इम्प्रेशन में तो नहीं लगी है, लेट्स सी। आपको आगे इन वीडियो में घर पहुँचते पहुँचते तक बताते हैं। भाई अभी तक तो ठीक चल रही है, अभी तक तो ऐसा कुछ एक झलक नहीं दी है भूसा ने जो कि ये दिखाए कि प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है। अभी तक तो ठीक चल रही है। तो भाई की बीएम में एक यूनिक इशू आया है, मतलब बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो द बीएमडब्ल्यू का इंफोटेनमेंट स्क्रीन होता है ना, उस इंफोटेनमेंट स्क्रीन में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं भाई, डिवाइस सेटिंग और व्हीकल सेटिंग्स और ट्रिप विप बहुत कुछ होता है। तो उसमें एक ऑप्शन है मीडिया, भाई का वो ऑप्शन नहीं चल रहा है, बाकी सब सारी चीज़ें चल रही हैं लेकिन वो मीडिया में ऑप्शन जा ही नहीं रहा है। हमने डिवाइसेस सारे रीसेट करके देख लिए, आई मीन नथिंग इज़ वर्किंग आउट, वो ऑप्शन ही नहीं चल रहा है। तो फाइनली हमको बीएमडब्ल्यू आना पड़ा, यहाँ पे आके भी कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया। सो इसी के साथ मिलेंगे एक नए कलेश के साथ अगली वीडियो में, मिलते हैं आपसे। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द यूट्यूब वीडियोज़ विच आई एम ट्राइंग टू मेक रेगुलरली, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाते हैं वहाँ पे और बहुत एक्टिव रहते हैं। आई विल सी यू वेरी सून, टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।